ना तो उस अनुपात में मिलेगा, ना वो हमें सुविधाएं मिलेगी, ना हम उससे अपना जो महंगाई का जो दौर है ना हम उससे अपना जीवन स्तर सुधार पाएंगे, ना हम उसका जो है अपने परिवार को उतना सक्षम बना पाएंगे। तो साथियों ये एक मैसेज है AIRF में ऑल इंडिया स्तर पर सभी डिविजनों में सभी शाखाओं में आज शांतिपूर्वक तरीके से ये मैसेज देने का काम किया कि एक पुस्तक सरकार की इस योजना का विरोध करें और यूनियन के साथ खड़े होकर यूनियन को मजबूत करें, रेल को मजबूत करें, ताकि भारत सरकार रेल मंत्रालय जो है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष अपने दिमाग में कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी प्लानिंग ले के ना पावे, ताकि पता चले कि हम अपना रोजगार भी खुद छोड़ रहे हैं। मैं तो नियमित रूप से देख रहा हूँ कितने रोजगार रेलवे मिलते हैं। NTPC का एग्जाम था, चल ही रहा है, 3 साल हो गए चलते करते। सेफ्टी के तरीके की मैं खाली पड़ी है, सेफ्टी की डिग्री की पोस्ट छोड़ेंगे, नॉन सेफ्टी की डिग्री की पिछली बार मीटिंग में आए थे, नॉन सेफ्टी की डिग्री की पोस्ट क्यों है सब कुछ सिलेंडर के अंदर तो ले रहे हैं। तो जो मंशा है संतोष थोड़ा ऊपर उठा लो, ऊपर उठा दो, बस बस ये कहते हैं ऊपर उठा दो, और खर्च करेगी कम करेगी सरकार, सरकार अपने खर्च कम करेगी। और एक मैसेज ये देते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार ऐसे रोजगार देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप के लोगों को साइनिंग उनको अपॉइंट कर लेंगे, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर नियुक्त होगा, वो आपके काम की वर्क से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, वो आपको आपके चेहरे से आपके भाव से जब मर्जी आपको रख ले जब मर्जी आपको। मेरा यही सबसे अनुरोध है कि इस तरह की योजना का जैसे आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें एकजुटता से NRMU का साथ दें, शांति ब्रांच का साथ दें और NRMU को मजबूत करें, AIRF को मजबूत करें, ताकि ये इसका अगला कदम भारत सरकार का जो अगला कदम है वो रेल की तरफ ना बढ़े। और मैं यही कहूँगा जितने भी सभी मेरे रेल साथी कर्मी हैं, हमारे साथी हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेल कर्मी हैं, रेल भी हमारी संपत्ति है। जिस तरह की पिछली बार समाचार पत्रों में, मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में आया, कुछ लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किए, रेल की संपत्ति को नुकसान दिया, NRMU एक रेल कर्मी, AIRF इस तरह के किसी भी अराजक तत्व का सपोर्ट नहीं करता। हमें डेमोक्रेसी में अपनी बात को रेल प्रशासन के सामने, भारत सरकार के सामने, ऊपर स्तर तक शांतिपूर्वक तरीके से मैसेज देने का काम है कि जो सरकार इस तरह की योजना लेके आ रही है जिससे हमारे अधिकारों का भी हनन होगा, जिससे हमारे जो है अधिकारों का हनन होंगे, हमारे काम के घंटे भी बढ़ेंगे, हमें उस हिसाब से वर्कलोड भी बढ़ता चला जाएगा। 2 आदमी और काम, 1 आदमी।